नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत सोशल मीडिया को भी भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत कर रही है। आज इसी के तहत एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन देहरादून में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है पार्टी का पक्ष सही तरीके से जनता के बीच में जाने का। इसको देखते हुए कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें सोशल मीडिया के प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में सरकार का पक्ष रखने के लिए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून की है जहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी को, सभी के बीच में आके हमने भी शुभकामनाएं दी हैं कि वो और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जर्मन सरकार के क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऋषिकेश विधानसभा में पहले चरण में 462.93 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही इसमें पंपिंग स्टेशन और एसटीपी प्लांट निर्माण का कार्य भी होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के रूप में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। बैराज मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पेयजल निगम के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीवर योजना के निर्माण कार्यों की कार्यवाही के संबंध में अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को विस्तार से जानकारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि जर्मन सरकार के क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट की तरह ही योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें जर्मन सरकार की केएफडब्ल्यू संस्था और भारत सरकार के बीच लोन एग्रीमेंट भी हस्ताक्षरित हो चुके हैं। जो शहर और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को मिला के सीवरेज योजना बहुत पहले से प्रस्तावित थी और अनेकों बार इसके बारे में मैं अधिकारियों से बातचीत भी कर चुका हूँ और लगातार इनका अनुश्रवण करने के बाद आज मुझे खुशी है इस बात की कि केएफडब्ल्यू के अंतर्गत ये ऋषिकेश नगर की और ग्रामीण क्षेत्र की जो ये सीवरेज योजना है, इसकी लागत आज की तारीख में 462.93 करोड़ रुपया है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 180 किलोमीटर है, जिसमें आपका नगर निगम क्षेत्र, जिसमें आपका घुमाने वाला, खदरी और श्यामपुर, इन ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ा जाना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 30 आने वाले सालों के लिए इसका जो है डिजाइनिंग की गई है। आज की तारीख में इसमें 135,933 की जनसंख्या को कवर कर रही है और आने वाले टाइम पे जब ये 30 वर्षों बाद एक अनुमानित जो हमारा जनसंख्या उस समय 220,369 होगी और इसमें खदरी में एक एसटीपी प्लांट लगेगा और सीवरेज पंपिंग स्टेशन एक आस्था पथ पर एक आवास विकास में बनना है। वहीं चमोली में पीपल कोटी के हाट गांव में सीएसडीसी और प्रशासन की टीम ने पुलिस बल के साथ परिजनों को प्रभावितों के मकानों की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की है, जिसके बाद विरोध कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को पुलिस की तरफ से कस्टडी में लिया गया। इस दौरान लोग परियोजना प्रभावित अपने घरों को टूटते देख रोते बिलखते रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्यवाही रोकी नहीं गई। हालांकि कंपनी प्रबंधन की तरफ से किसी भी तरह का बयान इस मामले में अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं ग्राम प्रधान राजेंद्र भट्ट वालों का कहना है कि ग्रामीण कंपनी के निर्माण कार्यों में हमेशा सहयोग देती रही है और विकास के साथ खड़ी रहती है। गांव के 90% परिवारों ने विस्थापन कर लिया है। और वहाँ फेंक दिया, अब मेरा सामान कुछ नहीं,
कुछ नहीं मिला मेरे को, एक बक्सा भेज रखा है उस टीन शेड में जिसमें मेरे ताला लगाया था, वो ताला तोड़ के मेरे अपना खर्चा रखा था उसमें 30,000 रुपये रखे थे बैंक से। बार बार कौन जा रहा हूँ, आँख नहीं देखता उस वो, इसलिए मैंने एक ही बार लेके 30,000 रखे थे उसमें कि खर्चा होते रहेगा, बैठा हूँ घर में। और उन लोगों ने वो पैसे भी नहीं उसमें वो पैसा नहीं बक्सा में। प्रशासन के द्वारा मेरे साथ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेरे को घसीटा गया, मेरी मिसेज को भी पाँव पकड़ के हाथ पकड़ के ऐसे घसीटा गया पत्थरों में, और मेरे को भी, जबकि मेरी दादी की तिथि थी और मैं अपनी दादी की तिथि नहीं कर पाया। अंदर सारे प्रशासन के लोग और ये लेबर उन्होंने ऐसे भेज दिए जूते में, जो मैं नहीं कर पाया, और मुझे उसका बड़ा दुख है। जो हमारे उसमें संस्कारों में है कि श्राद्ध पक्ष आते हैं तो तिथि करना बहुत ज़रूरी होता है, वो मैं नहीं कर पाया। इन्होंने स्वैच्छिक विस्थापन हमको बताया था कि स्वैच्छिक विस्थापन कर रहे हैं, तो हम लोग, हमारी स्वेच्छा तो नहीं थी जाने की। और फिर इन्होंने जो टाइम दिया था कि 3 अक्टूबर तक हम समिति कमेटी बनाएंगे, उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उसके बाद जो भी वार्ता होगी उसके बाद हम जाते या रुकते, जो भी ये बात करते, लेकिन उससे पहले ही हमको इस तरह की इस घटना से गुजरना पड़ा। शासन प्रशासन आए, हमारे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, हमको बांध के चमोली उसमें थाने में ले गए, थाने से हमें बंद करा गया, और हमारा मकान सामान सोना चांदी पैसे सब पता नहीं कहाँ है क्या है हम नहीं जानते। मैं पुराने कपड़े से फटे कपड़ों से यहाँ गोपेश्वर आई हूँ, इसलिए मेरा एक बक्स रमी रम भरे हैं, मेरे को एक बक्सा रम है, 3 लाख के जेवर हैं और 2 लाख कैसे रखे थे मेरे अंदर लड़के की शादी करने के लिए। लड़के को भी पर पत्र दे रखा कि तू घर आ, तो अपनी व्यवस्था कर शादी की। इन्होंने मेरा सामान सब बाहर फेंक के पता नहीं कहाँ रखा है क्या है। 6 गाय है मेरे घर में, सब भूखे मरे हैं। कल वही पड़ोसी राज्य हिमाचल में बढ़ते कोविड के मामलों के बाद उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से SOP जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी अस्पतालों में पूरी तैयारियां की गई है। भारत सरकार की ओर से जारी SOP का प्रदेश में पूरा पालन किया जा रहा है। साथ ही कई जगहों पर कोविड टेस्टिंग नहीं हो रही थी, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री नाराज भी दिखे और अधिकारियों को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने SOP जारी की है, जिसको लेकर अब रावत जी ने सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने सीधे निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि अब तैयारियों का अमल मिलाया जाए, अस्पतालों में भी पूरी तैयारियां किया जाए, इसके साथ ही साथ अब अलर्ट मोड पे भी रहा जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये सब कुछ कहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने SOP जारी की है कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए। पड़ोसी राज्य में कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए SOP जारी की गई है। कह सकता हूँ कि हम पूरी संवेदनशीलता से इस काम को देख रहे हैं। हर हॉस्पिटल में जितनी व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो की गई हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के SOP के अनुसार हम जितने व्यवस्थाएं हमने हॉस्पिटलों में करनी, जो डिमांड हॉस्पिटलों से आ रखी है वो हमने पूरी की है। इसके अलावा भी अगर कहीं की और डिमांड होगी और लगता है कि कहीं आप लोगों को भी कोई सुझाव लगता है तो आप हमारे स्वास्थ्य विभाग को और मुझको भी दे सकते। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब कुछ ही समय बचा हुआ है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। प्रचार प्रसार करते ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच अभद्र भाषा और पोस्टर फाड़ने की राजनीति भी शुरू हो गई है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। UKD के कोषाध्यक्ष मोहन काला ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडों की संज्ञा तक दे डाली है। मोहन काला ने आरोप लगाया है कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पावर ब्लॉक में हुई आम आदमी पार्टी की रैली में आप कार्यकर्ताओं ने UKD के पोस्टर फाड़ दिए, जिसके बाद गुस्साए मोहन काला अब कर्नल अजय कोटियाल सहित तमाम आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गजेंद्र चौहान ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने UKD के प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहन काला को हिदायत देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कोई पोस्टर नहीं फाड़ा है, सभी आरोप झूठे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो कार्रवाई करें। वो
वहीं उत्तराखंड कैबिनेट में हुई बैठक में आज 29 मामलों पर चर्चा की गई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 3 मामले स्थगित कर दिए गए जबकि 2 मामलों में फैसलों को मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। बता दें कैबिनेट में लिए गए फैसलों में से एक कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग भी सरकार ने पूरी कर दी गई है। इसके तहत 11% महंगाई भत्ते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर अब 28% हो गया है। इसके साथ ही 7 इंजीनियरिंग संस्थानों में विश्व बैंक से स्पॉन्सर्ड शिक्षक काम कर रहे थे जिनकी तनख्वाह अब राज्य सरकार दिया करेगी। आदमी अगर कुछ कर गुजरने की ठान ले तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, ऐसा ही एक व्यक्ति है त्रिलोक सिंह बिष्ट जो वर्तमान में वन महकमे में बतौर डिप्टी रेंजर के पद पर कार्यरत है। जो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक क्षेत्र में रूपकुंड और वेदनी भुगयालों में हो रहे भूस्खलन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से भूस्खलन रोकने के लिए जूट की रस्सी और औषधि पादक लगाया है, वहीं इनका ये प्रयास रंग लाया है। इन प्रयासों के चलते भूस्खलन रोकने की ऐसी पहल से इस साल कोई भूस्खलन नहीं आया। 10 सालों से त्रिलोक सिंह बिष्ट बिना शोर शराबे के चुपचाप काम कर रहे हैं। इस विभाग में हमारे पांडे साहब हैं, कंजर्वेटर साहब हैं, इसमें उन्होंने हम एक मीटिंग में ये कहा था कि उत्तरकाशी में कुछ ऐसा हो रहा है तो उसी के उससे हमने यहाँ पे ये अपने व्यक्तिगत प्रयास से उनके कहने पे हमने यहाँ पर ये इरोजन को रोकने के लिए ये पूरा मामचा डेंथोनिया का बॉटनिकल नाम है और पिक्रो राजा कुरुआ जो बहुमूल्य जड़ी बूटी है कुटकी जी का नाम है वो हमने इसमें रोपित किया जूट मैट लगा करके। तो उससे आज यह है ये आपके सामने एरिया जो है ये अच्छा हो गया, डेवलप हो गया है और यहाँ पर इरोजन रुक गया है। इसी प्रकार और भी यहाँ पर 6-7 नाले हैं, वहाँ भी हमने ये कर रखा है जो कि पूरा ये रुक गया है उससे। और अगले साल में आगे और भी जहाँ जहाँ ये हो रहा है इरोजन हो रहा है उसका प्रयास करेंगे ये रोपण करने। स्लाइडिंग तो इसको 20-25 साल हो गए थे स्लाइडिंग करना और ये इसमें चेक डैम बनाए, कुछ सुरक्षा दीवारें बनाए, उससे भी कुछ रुक गया है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर जो इलीगल ग्रेजिंग जो होती थी, जो अवैध वो चरान चुगान जो होता था, आवारा पशु यहाँ छोड़ते थे, उस पर हमने पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पर आज की उसमें जो है कोई भी जो घोड़े खच्चर हजारों यहाँ पर चुगते थे वो भैंस गाय वो बंद करा दिया है, उससे ये पूरा कटाव जो है रुक गया है। जैसा मैंने देखा यहाँ पर डिप्टी रेंजर श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट जी द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है भूस्खलन को रोकने के लिए। जूट लगाने के बाद उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ भी रोपित की गई हैं, इससे बुग्यालों को फ़ायदा पहुँचा है। जो भूस्खलन हो रहा था उस पर काफ़ी हद तक लगाम लग चुकी है। इसी प्रकार का कार्यक्रम आगे भी अन्य बुग्यालों में भी होना चाहिए। जैसा हम देख रहे हैं बेदनी बुग्याल में आज से पहले भी यहाँ पर जब तक रोक नहीं लगी थी बुग्यालों में स्टे में और मानव हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था तो काफ़ी मात्रा में सॉल इरेक्शन होता था, यहाँ पे भूस्खलन होता था, ऊपरी परत जो बुग्यालों की है वो कट जाती थी। पिछले 2-3 सालों से जब रोक लगी है उसके बाद से काफ़ी हद तक बुग्याल रिवाइव हो चुके हैं। आपको क्या लगता है इस बार जो लोग जात हुई है जगह जगह पर आपने देखा कहीं भी आपको पॉलिथीन दिखाई दी है, क्या लोग जागरूक हो रहे हैं बुग्यालों को बचाने का? दिख रहा है काफ़ी हद तक लोग जागरूक हैं इस मामले में और अपने साथ लाए गए कूड़े को वापस लेके जा रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के नेशनल हाईवे 108 पर डबरानी और गंगनानी के बीच में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में 4 लोग सवार थे जिसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू कर रोड पर लाया गया है और 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। भटवाड़ी से SDRF और पुलिस और एम्बुलेंस को रवाना करने के लिए अवगत करा गया है। वहीं एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। तो उत्तरकाशी का ही पूरा मामला है जहाँ पर डबरानी और गंगनानी के बीच वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके चलते आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। SDRF की टीम वहां पर रेस्क्यू करने में लगी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 लोगों की रेस्क्यू कर उनको रोड पर लाया गया है और 2 लोग वहां पर मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो ये घटना डबरानी और गंगनानी के बीच हुई जहाँ पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। चमोली में सेना की तरफ से आयोजित स्वर्णिम विजय पर्वतारोहण अभियान के दौरान संतोपथ चोटी में एक अभियान दल को एक पुराना पर्वतारोही का अवशेष शव मिला है।
बता दें कि भारतीय सेना ने इसी चोटी पर 2005 में पर्वतारोहण अभियान का आयोजन किया था, जिसमें कुछ पर्वतारोही लापता हो गए थे। सेना को यह उम्मीद है कि यह शव उन्हीं खोए हुए सैनिकों में से किसी का हो सकता है, जिसकी तलाश सेना पिछले कई सालों से कर रही है। सेना के लोगों की तरफ से इस अवशेष को संतोपथ चोटी से वापस लाया गया है और इसकी पहचान और पुष्टि की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना ने हाल ही में संतोपथ चोटी पर पर्वतारोहण अभियान का आयोजन कर स्वर्णिम विजय वर्ष का जश्न मनाया। इस पर्वतारोहण के दौरान अभियान दल ने पुराने पर्वतारोही का पार्थिव अवशेष पाया गया। 2005 में भारतीय सेना ने इसी चोटी पर पर्वतारोहण का आयोजन किया था। हमें आशा है कि उनमें से कोई खोया हुआ साथी हमें वापस मिल गया है। इस अभियान दल ने पर्वतारोही के पार्थिव अवशेष को लाते समय खराब मौसम और खड़ी चोटियों के साथ कई किलो का सामना करके इस पार्थिव अवशेष को नीचे गंगोत्री पर लेकर आए हैं। वहीं चमोली के जोशीमठ बद्रीनाथ बाईपास नरसिंह मंदिर के पास सड़क पर दरार आ गई, जिसके चलते लंबा जाम लग गया। बता दें कि सड़क से चार धाम यात्रा और स्थानीय लोगों की आवाजाही की जाती है। यात्रा काल में ये सड़क वन वे के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन की तरफ से सारे वाहनों को मुख्य बाजार से भेजा जा रहा है। तो चमोली की तस्वीरें हैं, जहां पर नरसिंह मंदिर के पास सड़क पर दरार आ गई, जिसके चलते मार्ग बाधित आ गया और वहां पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। तो दरार पड़ने से ये लंबा जाम लगा था, जिसके बाद वहां प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट करते हुए अब उनको सारे वाहनों को मुख्य बाजार से भेजा है। पौड़ी में विकासखंड कीर्तिनगर के मलेथा, रानीहाट, देवली और नैथाणा में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने रेल परियोजना प्रभावितों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें कई समस्याओं और अनुबंधों पर चर्चा की गई। आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि अगर 30 सितंबर तक परियोजना के निर्माण कार्यों में लगी कंपनी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही अनुबंधों में किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो 2 अक्टूबर से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्य बंद करवाया जाएगा। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता उत्तम सिंह असवाल ने कहा है कि रेल लाइन की सुरंगों के अंदर ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं, जिससे गाँव के आवासीय भवनों में दरारें आ रही हैं। उन्होंने रेल विकास निगम और परियोजना के निर्माण कार्यों में लगी एजेंसियों को 30 सितंबर तक समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। तो रेल परियोजना प्रभावितों के साथ ये बैठक की गई है, जहां पर समस्याओं और अनुबंधों पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला प्रवक्ता उत्तम सिंह असवाल ने कहा है कि रेल लाइन की सुरंगों के अंदर ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं, जिससे गांवों के आवासीय भवनों में भी दरारें आ गई हैं और रेल विकास निगम और परियोजना के निर्माण कार्यों में लगी एजेंसियों को 30 सितंबर तक समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। तो समस्याओं और अनुबंधों पर चर्चा की गई है। पौड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर रेल परियोजना प्रभावितों के साथ बैठक की गई और बताया गया कि ब्लास्टिंग के चलते काफ़ी समस्या आ रही है और अब इसके चलते ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। तो पौड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा है कि जो कुछ भी काम हो रहे हैं, जिस तरीके से जो कुछ भी किया जा रहा है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। तो रेल परियोजना प्रभावितों के साथ बैठक की गई है। रेल परियोजना जो डाली जा रही है, जो रेल परियोजना वहाँ पर लगाई जा रही है, जिसको लेकर अब वहाँ के लोगों के बीच काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं, जिसके बाद आज कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इस पर आवाज़ बुलंद की है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की तरफ से लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता को मिलकर किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री उत्तराखंड से मांग की गई है कि किसानों से कर्ज वसूली पर रोक लगाई जाए। किसानों के साथ तहसील प्रशासन और बैंक प्रशासन की तरफ से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उस पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
कि कल संयुक्त मोर्चे किसान महापंचायत थी, बहुत पब्लिक आई हुई थी और उधर हमारी तहसील का एक अमीन था सुनील त्यागी और आईओबी का मैनेजर मिस्टर डोगरा ढोल नगाड़े को साथ में गांव को घूम रहे थे, किसानों को बेइज्जत कर रहे थे। अगर ये बात महा किसान पंचायत में पता लग जाती तो कल ये भीड़ शासन प्रशासन पर रुकती नहीं और यहाँ से विद्रोह हो जाता। इसलिए मिले थे आईडीएम से आज जाकर प्रतिनिधिमंडल कि अपने इन अधिकारियों को समझा लें, ऐसी किसानों को बेइज्जत करने का काम ना करें। यदि किसी किसान ने आत्महत्या कर ली उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।